सुख वहां नहीं है जहां धन मिले, सुख वहां है जहां मन मिले। नमस्कार, आप सबका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, आपका भाग्य चक्र में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आज हम पंडित जी से जानेंगे कि रंगों का अपने घर में प्रयोग करके कैसे आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं, रंग कैसे आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकले ताकि आपको लाभ हो, और आपका राशिफल और लकी नंबर के अनुसार लक तो जानेंगे ही। तो पंडित जी, कार्यक्रम शुरू करें। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज के पंचांग में क्या है खास, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, और पंडित जी आज राहु काल का समय कब से कब तक रहे? जी, दिनांक 18 जून 2024 दिन मंगलवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, प्रातः 6:24 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, शाम के 3:56 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सायंकाल 3:04:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप रंगों का प्रयोग करके अपनी किस्मत को चमका सकते हैं, अपने घर में कौन से रंग का प्रयोग करें ताकि आपकी किस्मत चमक उठे। पंडित जी, हमारे घर का हमारी किस्मत से क्या संबंध होता है, घर कैसा होना चाहिए कि किस्मत और चमके? तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि हमारे घर से हमारी किस्मत का क्या संबंध है, क्या घर के रंग और घर की चीज़ें हमारे भाग्य को बदल सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं। देखिए, घर के हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। रसोई घर से, किचन से, बेडरूम से, वॉशरूम से, हर हिस्से से किसी न किसी ग्रह का संबंध होता है। इसीलिए घर के सारे हिस्सों को ठीक करके हम अपनी पूरी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। जो ग्रह कुंडली में कमजोर हो उससे संबंधित घर के हिस्से को ठीक करके कुंडली के ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। घर का जो हिस्सा जिस ग्रह की कारण गड़बड़ है उसको ठीक करेंगे उस हिस्से को, तो कुंडली का और घर का वो ग्रह बेहतर हो जाएगा। इसीलिए अगर हम घर के किसी हिस्से को गड़बड़ करते हैं तो कुंडली का संबंधित ग्रह भी गड़बड़ हो जाता है। तो दरअसल आपकी कुंडली और आपके ग्रह और आपका घर आपस में एक साथ जुड़ा हुआ है। अगर कुंडली के ग्रह गड़बड़ होंगे तो घर गड़बड़ होगा, और अगर आप घर में किसी स्थान को गड़बड़ करेंगे तो कुंडली के ग्रह आपके गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले बात मेष राशि की, मंगल की ये राशि है। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और पंडित जी इनके लिए शुभ रंग कौन सा है? मेष राशि, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की स्थिति में भी सुधार होगा, कर्ज की समस्या आपकी हल होगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात वृष राशि की। शुक्र की ये राशि है, वृष राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, वाद विवाद से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मिथुन राशि की। बुध की ये राशि है, मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे रंग आप अपने घर में प्रयोग करें ताकि आपको लाभ हो, आपकी किस्मत चमके। सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। पंडित जी, घर का मुख्य द्वार किस रंग का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए ताकि हमारी किस्मत चमक उठे? सबसे पहले बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। घर के मुख्य द्वार का रंग कैसा हो, किस ग्रह से संबंध रखता है ये समझते हैं। देखिए, घर का जो मुख्य द्वार है ये आपकी कुंडली का सूर्य है। इस स्थान को हमेशा आपको साफ सुथरा रखना चाहिए और इस स्थान पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था रखिए। अपने घर के मुख्य द्वार को कभी अंधकारमय मत करिए, कभी अंधेरा मत छोड़िए और अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह, जैसे ओम लगा दिया, जैसे क्रॉस लगा दिया, कोई मंत्र लिख दिया, ऐसे कोई प्रतीक चिन्ह अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाइए। ऐसा करने से आप, आपके पिता और आपका मान सम्मान उत्तम बना रहेगा और घर के मेन डोर को अगर आप बेहतर रखेंगे तो बिना किसी ज्यादा प्रयास के आपकी कुंडली का सूर्य बेहतर होना शुरू हो जाएगा। घर का ड्राइंग रूम कैसा होना चाहिए, उसमें किस तरह के रंगों का प्रयोग करना चाहिए? पंडित जी, जो ड्राइंग एरिया होता है उसमें बैठते हैं ज्यादातर समय लोग, वहाँ बैठते हैं तो वहाँ कौन से रंगों का प्रयोग करें, उसे किस तरीके से बनाएं ताकि उसका लाभ मिले? अब बात करते हैं घर के ड्राइंग एरिया की, जिसको आप लिविंग रूम या लिविंग एरिया भी कहते हैं। घर का जो लिविंग एरिया है या ड्राइंग एरिया है ये स्थान चंद्रमा से संबंध रखता है। अपने लिविंग एरिया को, ड्राइंग एरिया को हमेशा सुगंधित रखें। यहां पर बहुत सारा सामान मत भरिए। अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में बहुत सारा सामान मत ठूंसिए। जहां तक हो सके अपने लिविंग एरिया में ढेर सारे फूल लगाइए या फूलों के चित्र लगाइए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप अपने घर के लिविंग एरिया को ठीक रखते हैं,
वहाँ फूल फूलों के चित्र लगाते हैं, वहाँ सुगंध आती रहती है, वहाँ सामान आप ठूंस ठूंस के नहीं भरते हैं, तो ऐसा करने से आपके घर की महिलाएं और बच्चे बड़े आराम से ठीक भी रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। अब बात कर्क राशि की। चंद्रमा की ये राशि है, कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा? कर्क राशि, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, धन खर्च आपका बढ़ा रहेगा, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दीजिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। अब बात सिंह राशि की। सूर्य की ये राशि है, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? सिंह राशि, समस्याएं फिलहाल कम होंगी, मान सम्मान आपको मिलेगा, धन की स्थिति ठीक बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। अब बात कन्या राशि की। बुध की ये राशि है, कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? कन्या राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। हनुमान चालीसा का अगर पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। अब वक्त है आपके सवाल का, यदि आपके मन में सवाल है तो अवश्य पूछिए। उसके पहले आपको बता दें कि आगे आप सक्सेस मंत्र अवश्य देखिएगा, क्योंकि उसमें हम पंडित जी से जानेंगे कि यदि आज आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई बड़ी खरीदारी करने जा रहे हैं तो क्या उपाय करके घर से निकलें ताकि आपको लाभ हो, और साथ ही आगे ऐसा क्यों अवश्य देखिएगा, क्योंकि ऐसा क्यों में पंडित जी दैनिक जीवन में काम आने वाली चीज़ों के बारे में हमारा शास्त्र क्या कहता है उसके अनुसार बताते हैं। और साथ ही आप शुभ मंगल सावधान अवश्य देखें, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए। अब सवाल की बात कर लें, यदि आप सवाल पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए। सबसे पहले अपने जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिखकर भाग्यचक्र@aajtak.com में भेज दें, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो पंडित जी, सवालों के पिटारे से पहला सवाल किसका ले रहे हैं? आज का पहला प्रश्न हमें उर्मिला रावत जी ने लिखा है। उर्मिला रावत जी हमें उत्तराखंड से मेल लिखती हैं, अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी पुत्री की जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1998। जन्म का समय दोपहर में 2:10 और जन्म का स्थान है पौड़ी। ये पूछ रही हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। उर्मिला जी, आपको बता दें कि आपकी पुत्री के विवाह होने में अभी समय है। 2025 के अंत में एक संभावना बनती है कि साल 2025 के अंत में इनका विवाह होना चाहिए, और जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिएगा, क्योंकि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें दिख रही हैं।
इनका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए आप इनको बोलें कि रोज सुबह शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। घर का रसोई घर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंडित जी, रसोई घर में किस तरह के रंगों का प्रयोग करें, कैसे बनाएं, किन बातों का ख्याल रखें ताकि जो है रसोई घर शुभ फल दे, किस्मत और बढ़े। अब बात करते हैं घर के सबसे महत्वपूर्ण स्थान की, जिसको कहते हैं रसोई घर। रसोई घर जो है घर का वो स्थान जहां भोजन पकता है उसको रसोई घर कहते हैं। ये स्थान मंगल और कुछ मात्रा में सूर्य से संबंध रखता है। इस स्थान पर सूर्य का प्रकाश जरूर आना चाहिए, थोड़े देर ही आए, लेकिन आपके रसोई में अगर सूर्य का प्रकाश आए तो बहुत अच्छा होगा। रसोई में चीजें ठीक से रखी होनी चाहिए और जहां तक हो सके अपनी रसोई में हल्का लाल या नारंगी या पीला, इन तीनों में से कोई भी रंग आप अपनी रसोई घर में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप रसोई घर में फायर के कलर लगाएंगे, लाल, नारंगी, पीला, तो इससे घर के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा और घर के लोगों की जो समृद्धि है, जो प्रॉस्पेरिटी है, वो निश्चित रूप से बनी रहेगी। घर का बेडरूम, शयन कक्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। पंडित जी, जो शयन कक्ष है वहाँ किस तरह के रंगों का प्रयोग करें, किन बातों का ख्याल रखें? अब बात करते हैं आपके बेडरूम की, यानी घर के शयन कक्ष की, जहां आप सोते हैं, विश्राम करते हैं, दिन भर के थके होने के बाद रात में चैन की नींद लेना चाहते हैं, यानी आपके बेडरूम की। घर का ये स्थान शुक्र से संबंध रखता है। आपका बेडरूम पूरी तरह से शुक्र से संबंधित है। ये स्थान यानी आपका बेडरूम जितना सुंदर, आकर्षक और आरामदेह होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। बेडरूम में ठंडे रंगों का, जैसे हरा, हल्का नीला, लाइट ब्लू एकदम, सफ़ेद रंग, गुलाबी रंग, ठंडे रंगों का प्रयोग करें तो अच्छा है। लाइटिंग बढ़िया करें, चमकदार प्रकाश का प्रयोग करें। अगर आपके बेडरूम में कलर सही लगा है, रंग सही हैं, बेडरूम सही है, तो इससे जीवन में वैभव, समृद्धि, संपन्नता और ग्लैमर का लाभ होता है। आपने बेडरूम में लाल रंग लगवा लिया, आपने बेडरूम में पीला रंग लगवा लिया, यानी फायर के रंग आपने बेडरूम में अगर लगवा लिए तो जीवन का सुख नष्ट हो जाएगा और वैवाहिक जीवन में आपके समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। तो बेडरूम साफ सुथरा हो, ठंडे रंग हो वहां, लाइटिंग बढ़िया हो, ताकि बेडरूम में जाते ही आपको आनंद और आराम का अनुभव हो। और अगर आपका बेडरूम ठीक है तो आपकी कुंडली का शुक्र अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब बात तुला राशि की, शुक्र की ये राशि है। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? तुला राशि, धन की समस्या आपकी हल होगी,
स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। अब बात वृश्चिक राशि की, मंगल की ये राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं, परिवार में अशांति हो सकती है, सहयोगियों के साथ रिश्तों का ध्यान रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब बात धनु राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आपके लिए होगा गुलाबी। घर में पूजा स्थान अवश्य बनाना चाहिए और पूजा स्थान बनाते समय किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए, पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, पूजा स्थान में किस तरह के रंगों का प्रयोग करें, किन बातों का ख्याल रखें, क्या विशेष ध्यान देने की जरूरत है? अब बात करते हैं घर के पूजा स्थान की। छोटी सी जगह आप घर में बनाते हैं या बड़ा सा कमरा बनाते हैं जहां पर बैठ करके आप पूजा उपासना करते हैं, उस स्थान का महत्व क्या है? ये स्थान बृहस्पति से और कुछ हद तक सूर्य से संबंध रखता है। अपने पूजा स्थान की पवित्रता जरूर बनाए रखनी चाहिए। यहां पर बहुत ज्यादा चित्र और मूर्तियां अपने पूजा स्थान में भीड़ मत लगाइए। दो चार मूर्तियां हो, एक आध चित्र हो, पूजा स्थान साफ सुथरा हो, बहुत अच्छा होगा। यहां पर नियमित रूप से शाम के समय प्रकाश की व्यवस्था करें, दीपक जलाएं और इस स्थान पर बैठ करके अगर आप नियमित रूप से प्रार्थना करें, इस स्थान को ठीक रखें तो सूर्य और बृहस्पति मजबूत होंगे। पूजा घर का रंग हल्का पीला, हल्का नारंगी या सफेद होना चाहिए। अगर ये रंग हो आपके पूजा घर का और वहां नियमित रूप से आप दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, आपकी कुंडली का सूर्य और बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो जाएगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, घर में काले रंग की चीजों का प्रयोग करने की मनाही होती है, घर के बड़े बुजुर्ग भी मना करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हम आपको कई बार बता चुके हैं कि जो काला रंग है वो दरअसल कोई रंग नहीं होता। जहां पर कोई रंग नहीं होगा वहां काला रंग होगा। काले रंग का मतलब अशुभता भी है, तमस भी है और अंधकार भी है। इसलिए सामान्यतः जीवन में काले रंग का प्रयोग कम करना चाहिए। घर में खास तौर से बहुत सारे लोग अपना मेन गेट
लोहे का मेन गेट होता है उसे काले रंग से पेंट करवा देते हैं या काला रंग अपने मेन गेट पर करवा देते हैं। बाकी घर में तो खैर नहीं करवाते हैं, लेकिन अक्सर जो लोहे के दरवाजे घर में लगवाते हैं, मेन गेट पर लगवाए हैं या बाथरूम में लगवाए हैं या छत पर का दरवाजा लगा हुआ है लोहे का, तो वहाँ पर लोग काले रंग का पेंट करवा देते हैं। देखिए, काला पेंट वैसे घर में कहीं मत करवाइए, काले रंग का प्रयोग बिल्कुल मत करिए, और अगर आप मेन डोर पर, मुख्य द्वार पर काले रंग का प्रयोग करेंगे तो आप बेवजह के विवादों और बेवजह के झंझटों में पड़ेंगे, पड़ोसियों के साथ आपके संबंध खराब होंगे और आपका घर से निकलने पे सामान्यतः काम बनने में बड़ी मुश्किल आएगी। इसलिए घर में तो काले रंग का प्रयोग बिल्कुल ना करें और मेन गेट, मेन डोर अपना काले रंग का बिल्कुल मत रखिएगा। घर का बाथरूम कैसा होना चाहिए पंडित जी? हमें अपने घर के बाथरूम में किस तरह के रंगों का प्रयोग करें, कौन से ग्रह का प्रभाव घर के बाथरूम में ज्यादा होगा? अब बात करते हैं घर के बाथरूम की। आपको लगता होगा कि घर का बाथरूम कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है जिसमें रंगों पे हम ध्यान दें, बाकी चीज़ों पे ध्यान दें। ऐसा नहीं है, घर का बाथरूम भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि वो भी घर का एक प्रमुख हिस्सा है। घर का जो बाथरूम है ये स्थान राहु केतु से और कुछ हद तक शनि से संबंध रखता है। बाथरूम में लोग अक्सर पानी की बहुत बर्बादी करते हैं, शावर से नहाएंगे, शेविंग कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, पानी बहता जा रहा है, ये सब मत करिए। इस स्थान पर पानी की बर्बादी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि अगर आप पानी की बर्बादी करेंगे पैसा कभी नहीं बचेगा और पैसा आपका बेवजह नष्ट होगा, खर्च होगा। इसीलिए अपने बाथरूम में या वैसे भी पानी की बर्बादी मत करिए और जहां तक हो सके अपने बाथरूम में हवा ठीक से आने जाने की व्यवस्था करिए। उसमें ज्यादा हो तो एग्जास्ट लगवा दीजिए, रोशनदान का स्थान बनवा दीजिए ताकि बाथरूम में वेंटिलेशन ठीक रहे, लाइट ठीक रहे। और बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद बाथरूम का दरवाजा हमेशा खोल करके मत रखिए। बाथरूम का प्रयोग कर लिया इसके बाद बाथरूम का दरवाजा बंद कर दीजिएगा। बाथरूम का जो रंग है वो पानी का रंग हो तो बहुत अच्छा होगा, यानी नीला रंग हो हल्का, या हल्का हरा जिसको सी ग्रीन कहते हैं वो रंग हो, या सफेद रंग हो। अगर बाथरूम का ये रंग रखा जाए तो बाथरूम बहुत सही हो जाएगा। और बाथरूम में आप साफ सफाई रखते हैं, पानी की बर्बादी नहीं करते हैं, बाथरूम में गंदगी नहीं फैलाते हैं, राहु और केतु आपके बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। और राहु केतु जब आपके बेहतर होंगे तो आप जीवन के उतार चढ़ाव से बच जाएंगे। इसलिए बाकी पूरे घर की तरह अपने बाथरूम को भी साफ सुथरा रखें और वहाँ पर पानी की और वस्तुओं की बर्बादी ना करें। अब बात मकर राशि की, शनि की ये राशि है, मकर राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मकर राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी। अब बात कुंभ राशि की, शनि की ये राशि है, कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग
कौन सा है? कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। अब बात मीन राशि की, बृहस्पति की ये राशि है। मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा, आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और पंडित जी इनके लिए आज शुभ रंग कौन सा है? मीन राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, करियर में लापरवाही ना करें, परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। लकी नंबर 1 से लेकर लकी नंबर 9 तक के लिए पंडित जी आज क्या है खास? बात करते हैं लकी नंबर की। नंबर 1, आज आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। नंबर 2, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 3, लाभकारी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। नंबर 4, वाद विवाद से इस समय बचाव करें। नंबर 5, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। नंबर 6, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नंबर 7, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 9, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। अब समय हो गया है भाग्य पहर जानने का। आज भाग्य पहर का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा और पंडित जी इस दौरान क्या करना चाहिए? आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इससे आपका मनोबल मजबूत होगा और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अब वक्त हो गया है सक्सेस मंत्र जानने का। पंडित जी आज के सक्सेस मंत्र में क्या है खास? बात करते हैं सक्सेस मंत्र की। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो गुड़ खाकर घर से जाइएगा, आपको सफलता मिलेगी। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है तो मिठाई खाकर घर से जाइएगा, आप सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर चिकित्सा के लिए जाना है, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल जाना है तो सिंदूर का तिलक लगा के जाइएगा, लाभ होगा, स्वस्थ होंगे। और अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, गाड़ी खरीदनी है, जमीन खरीदना है, आभूषण खरीदना है तो लाल रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त है शुभ मंगल सावधान जानने का। आज का दिन किस राशि वाले के लिए बहुत शुभ होगा और पंडित जी आज किस राशि वाले को बहुत सावधान रहना चाहिए?
बात करते हैं शुभ मंगल सावधान की। आज का दिन शुभ होगा तुला राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, काम की रुकावट दूर होगी। आज का दिन मंगलमय होगा वृषभ राशि के लिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, तनाव समाप्त होंगे। आज सावधान रहना होगा कर्क राशि के लोगों को। बेवजह की चिंताएं और तनाव आपको परेशान कर सकते हैं और आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, आपने भाग्य चक्र में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।